दोस्तों मार्वल्स के एवेंजर्स एंड गेम के बाद फेज 3 का लास्ट सीक्वल मूवी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम ने फेज 3 का एंड कर दिया है और इस साल 1 मई में आने वाली ब्लैक विडो मूवी ने फेज 4 का शुरुआत करने वाली है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे सीक्वल मूवीज आने वाली है जिसके बारे में हमको पता चला और उसमें से एक है एंड मैन एंड द वेब्स 3। और आज के वीडियो का टॉपिक इसमें पर ही है क्योंकि एंड मैन एंड द वेब्स की सीक्वल ने MCU में फैंटास्टिक फोर का जबरदस्त इंट्रोड्यूस करने वाली है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एंड मैन एंड द वेब्स की सीक्वल की स्टोरी लाइन के बारे में। सो लेट्स बिगिन। अब बहुत बेटे छुप छाप क्या घंटे का इंसाफ, देश कैसे होगा साफ, इनके नियत में है दाग, सिर्फ करते रहेंगे बात। हाँ मेरा भाई ये तो नोटों की सरकार है ना। फोर को एंडमैन में इंट्रोड्यूस करने के लिए उनका मानना है कि क्वांटम में जो क्वांटम सिटी है उस सिटी ने एक की रोल प्ले करेंगे एंडमैन द वेस्ट में फैंटास्टिक फोर और कैंग द कॉनर को इंट्रोड्यूस करने के लिए। और जो क्वांटम सिटी है उसका नाम है क्रोनोपोलिस जिसका किंग है कैंग द कॉनकरर। अब कैंग के बारे में बात करें तो हम यही कह सकते हैं कि कैंग द कॉनकरर फिशर की एक अल्टरनेट टाइमलाइन की एक सुपर विलेन है। उनका थ्योरी यह है कि 1960 के समय डॉक्टर रीड रिचर्ड यानी कि द मिस्टर फैंटास्टिक पिम टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उनका साथ था डॉक्टर हैंग पिम जिनको हम एंडमैन की मूवीज में देख चुके हैं। 1960 के समय फैंटास्टिक फोर क्वांटम रियल में एक एक्सीडेंट के द्वारा फंस गए थे जब वो पहली बार क्वांटम रियल में गए थे और उनको सुपर पावर्स एंड एबिलिटी मिला था नेगेटिव जोन से जो कि क्वांटम रियल का बहुत डेंजरस पार्ट है और उनको सामना करने पड़ा था नेगेटिव जोन का रूलर्स एनहेलियास और ब्लास्टर से। हालांकि मूवी में हमको ये दिखाया गया कि फैंटास्टिक फोर अपने सुपर पावर्स एक स्पेस एक्सप्लोरेशन के द्वारा गेन करते हैं लेकिन डायरेक्टर पेटन रीड ये बिलीव नहीं करते कि ये एक एक्सीडेंट था। उनका मानना है ये कैंग का एक प्लान था जिसको अपने सेल्फिश रीजन के लिए डॉक्टर रीड रिचर्ड को चाहिए। अब कैंग जो है उसका असली नाम है नेथानियल रिचर्ड जो फिशर की एक बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है और डॉक्टर रीड रिचर्ड उसका ग्रैंडफादर है। अब कैंग का मकसद ये है कि एक टाइम मशीन बनाना जो वो बना सकता है डॉक्टर रीड रिचर्ड का हेल्प से ही। अब कैंग तो क्रोनोपोलिस सिटी का लीडर है तो वो उसको डॉक्टर रीड रिचर्ड चाहिए अपने मकसद के लिए और उसने बहुत ही समय तक फैंटास्टिक फोर को अपने हक में कैद कर रखा है। अब आने वाले मूवी एंडमैन 3 में ऐसा हो सकता है कि स्कॉट लैंग और जेनेट पिम जिसको क्वांटम रियल्म के बारे में जानकारी है वो वहाँ जाएंगे और फैंटास्टिक फोर के फोर मेंबर्स को फ्री करके रियल वर्ल्ड में ले आएंगे। ये बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है कि फैंटास्टिक फोर क्यों इतनी समय तक MCU में एब्सेंस है और द टाइम होपिंग मार्वल बिलियन कैंग द कॉनकरर को इंट्रोड्यूस अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस टॉपिक के कॉमिक स्टोरीलाइन के बारे में। इसमें बहुत सारा रीजंस है जो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे फैंटास्टिक फोर 1960 के समय एक अलग यूनिवर्स या अलग डायमेंशन में फैनिश हो गए थे। कॉमिक्स के एक टाइमलाइन से हमको जानने को मिला है कि जब डॉक्टर हैंग पिंग यंग थे तब वो डॉक्टर रीड रिचर्ड के अंडर स्टूडेंट थे और दोनों ही मिलकर काम करते थे और एक दिन दोनों ही मिलकर पिंग पार्टिकल्स को डिस्कवर करते थे। लेकिन कॉमिक्स में ऐसा भी है कि डॉक्टर रीड रिचर्ड ने एक बार हैंग पिंग के पहले ही पिंग पार्टिकल्स का डिस्कवर कर दिया था और उनको ये भी रिवील किया था कि वो ये सीक्रेट के रखे। पिंग पार्टिकल्स का जो नॉलेज और डेवलपमेंट है अनस्टेबल मॉलिक्यूल का क्रिएशन करना वो बहुत अच्छे तरीके से फैंटास्टिक फोर जानते थे। और एक रीज़न ये है कि कॉमिक्स में स्कॉट लैंग के साथ फैंटास्टिक फोर का ग्रेट रिलेशनशिप है। कॉमिक्स के एक पॉइंट में हमको जानने को मिला है कि एक मिशन की वजह से फैंटास्टिक फोर का जो फाउंडिंग मेंबर वो एक अननोन टाइम के लिए आर्ट छोड़ते हैं और इस समय उन्होंने एंड मैन या स्कॉट लैंग को
उनका टीम फ्यूचर फाउंडेशन का सार्ज सौंपते हैं। विद दिस रिलेशनशिप हम यही कह सकते हैं कि फैंटास्टिक फोर और एंडमैन फ्रेंचाइज के बीच में जो ब्रिज है वो बहुत लॉजिक हो गया है, जैसे कि स्पाइडरमैन आयरन मैन के अंडर काम करते थे। और एक अपॉर्चुनिटी ये है कि कॉमिक्स में जब जेनेट पिम क्वांटम रिल में खो गए थे तो हैंग पिम क्वांटम रिल से बहुत डरे थे उसकी डेंजरस रीजन की वजह से, लेकिन बाद में जब वो जो टेक्नोलॉजी यूज करके जेनेट पिम को क्वांटम रिल से रेस्क्यू किया था उसी टेक्नोलॉजी यूज करके फैंटास्टिक फोर को क्वांटम रिल से बाहर ले आया था। तो दोस्तों ये थी एंडमैन एंड द वेस्प की सीक्वल मूवी का स्टोरी लाइन के ऊपर एक छोटी वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस इज एसके एंड अपना वीडियो आता ही रहेगा।